सो वेलकम बैक दोस्तों। आज AWS का नया टॉपिक करेंगे, वो है AWS सिस्टम मैनेजर। तो क्या है सिस्टम मैनेजर? लेमन टर्म में बोलूँ तो आप अपने सिस्टम की जैसे पैचिंग करनी है आपको, उसे एक्सेस करना है। जैसे से अभी सपोज आपका EC2 इंस्टांस है और आपको उसकी पैचिंग करनी है या ट्रबल शूट करना है कुछ भी, तो आपको जो आपकी कीज़ है बाय उनके थ्रू आप लॉगिन करोगे। जहाँ आपने VPC बनाया हुआ है तो VPC में आपने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया है, तो पहले आप बेस्टिन मशीन पे लॉगिन करोगे, बेस्टिन के बाद फिर अपने अंदर वाली मशीनों को एक्सेस करोगे। तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और नंबर दो, सिक्योरिटी से कंप्लाइंसेज इसे ज़्यादा सिक्योर नहीं मानते। तो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए अमेज़ॉन सिस्टम मैनेजर टूल देता है, जिसके थ्रू हम सेशन लेके या पैचिंग ये सारी ऑन द रियल टाइम और स्क्रीन बेस पे कर सकते हैं। जैसे ये देखिए बेनिफिट आपको उठा रहा है, शॉर्ट ऑन द टाइम टू डिटेक्ट प्रॉब्लम, इजी टू यूज ऑटोमेशन, यानी कि जैसे पैचिंग होगी तो डिफाइन कर सकते हैं टाइमिंग क्या करना है, कैसे सारी कमांड्स लिख सकते हो नीचे। इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, मैनेज हाइब्रिड, मेंटेन सिक्योरिटी। सो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइजिंग, यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़ ऑन द फॉलोइंग प्राइस फीचर, तो ये आप देख सकते हो। तो इसके बारे में हम करेंगे प्रैक्टिकल सीधा। तो आप सर्विसेज में जाइए और यहाँ पे मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर आपको सिस्टम मैनेजर दिखेगा, ये सिस्टम मैनेजर, इस पर क्लिक करा हमने तो ये आ गया हमारा। तो बिफोर दैट मैं आपको ये सेकंड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक जस्ट इंस्टांस बना के रखा है अभी आपको दिखाने के लिए। तो ये इंस्टांस है, ये देखोगे तो अभी लॉन्च किया है 10-15 मिनट पहले मैंने, हाँ 9 मिनट पहले ही लॉन्च हुआ है। तो ये सिंपल बेसिक लिनक्स का इंस्टांस है, इसके अंदर कुछ नहीं है कर रहे। तो पहला टॉपिक है इसमें सेशन मैनेजर। तो आप कैसे डायरेक्ट सेशन उसका ले सकते हो अपनी मशीन का? तो देखिए सेशन मैनेजर में आ जाइए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये सेशन मैनेजर, जिस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए सेशन मैनेजर क्विकली एंड सिक्योरली एक्सेस योर विंडो एंड लाइनक्स इंस्टांस इज मैनेज सर्विस दैट प्रोवाइड यू द वन क्लिक सिक्योर एक्सेस टू योर इंस्टांस विदाउट टू नीड टू ओपन इन बाउंड पोर्ट और मैनेज बेस्टियन होस्ट। यानी कि कोई पोर्ट नहीं ओपन करना, कोई कुछ नहीं करना, यहीं से आपका एक्सेस हो जाएगा। एंड यू हैव सेंट्रलाइज एक्सेस कंट्रोल ओवर द एक्सेस। तो इसे करने के लिए सेशन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या चाहिए आपको? IAM रोल चाहिए एक। तो मैंने IAM रोल बना दिया है, मैं आपको एग्जैक्ट नाम दिखा देता हूँ IAM रोल का। तो ये IAM रोल है। अगर आपको IAM रोल्स ये सारी चीज़ें नहीं पता है, ऊपर आई बटन दिया है, आप उस पर जाके पर्टिकुलर IAM रोल्स की वीडियोस देख सकते हो, सारे स्टेप बताए गए हैं। इन द सेम टाइम इसमें मैंने अभी तक 60+ AWS के ऊपर वीडियोस कवर करी हैं, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी देख सकते हैं। तो मेरा लिनक्स का इंस्टांस रेडी है। तो IAM रोल में ये हमने पॉलिसी चूज करी है एग्जैक्टली अमेजोन SSM मैनेज इंस्टांस कोर, और ये जो मैंने उसे अपना नाम दिया हुआ है IAM रोल को, ठीक है, इसे मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, अपने इंस्टांस पे आ जाइए, इसे सेलेक्ट कीजिए, तो इसके साथ वो रोल हम बाइंड कर देंगे। तो एक्शन में आए, सिक्योरिटी में गए, मॉडिफाई IAM रोल। तो ये मेरा ये रहा RKSM मैनेज, इसे हम कर दिया सेव, ठीक है। ये देखिए सक्सेसफुली अटैच्ड IAM रोल, तो वो अटैच हो गया मेरे इस इंस्टांस आईडी के साथ, ठीक है। अब बैक टू इस पे आ जाते हैं, अब करेंगे हम स्टार्ट सेशन। ओके, तो जैसे हमने स्टार्ट सेशन पे क्लिक करा, स्टार्ट
सेशन ओ इंस्टांस आईडी। तो मेरा इंस्टांस आईडी क्या है, लेट मी कॉपी दिस वन। सो एक सेकेंड, इससे मैं बाहर आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, कैंसिल करता हूँ एक बार। लेट मी रीओपन दिस अगेन, तो शायद इसमें है सेशन मैनेजर, स्टार्ट सेशन मैनेजर, वियर्ड, देर इज नो इंस्टेंस विच एसोसिएटेड द रिक्वायर्ड आई एम ए रोल। इट विल टेक फ्यू मिनट टू शो द इंस्टेंस हेयर आफ्टर अटैचिंग द रिक्वायर्ड आई एम ए रोल। ओके, सो एक्चुअली जस्ट हमने अभी करा है, सो 2 मिनट वेट करते हैं। मैं वीडियो पे यहीं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो ये रिफ्रेश किया है, ये आ गया, तो इसने 5 मिनट लिए हैं रफली। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सिक्योरिटी में ये मेरा आईएमए रोल दिखा रहा है, और मैंने जस्ट साथ में इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, तो ये देखिए जो मैंने बताया था कि ये वाली पॉलिसी अटैच करनी है आपको, तो यही पॉलिसी अटैच है हमारे इस नाम। तो ठीक है, तो याद रखिए जैसे ही अटैच करोगे उसके साथ, तो 2 से 4 मिनट वेट कीजिए, तो आपको उसके बाद दिख जाएगा। ये देखिए मेरा वेब सर्वर रहा, तो ये आ गया। अब इसे करा सेलेक्ट एंड स्टार्ट सेशन, तो ये देखिए सुडो सी यू कॉन्फिग अप टाइम। तो ये देखिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बेस्टियन मशीन से एक्सेस नहीं करना पड़ा, कोई कहीं से नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट मैं इसे एक्सेस करने लग गया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा सेशन मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हम कमांड कैसे रन कर सकते हैं, तो उसे कवर करते हैं। सो अभी हमें रन कमांड फायर करनी है, तो या तो आप यहां से रन कर सकते हो, बट हमें सिस्टम मैनेजर के थ्रू ही कमांड फायर करनी है। तो वो कैसे कर सकते हो, उसमें आप मल्टीपल सिस्टम चूज कर सकते हो, रिसोर्स मतलब रिसोर्स ग्रुप बना के चूज कर सकते हो, पर्टिकुलर इंस्टांस चूज कर सकते हो, और बाया टैग के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको उसके लिए बस ये पैकेज चेक करना कि ये पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है, अमेजोन एसएमएस एसएसएम एजेंट, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ही मिलेगा आपको। नहीं मिले तो ये लिंक रहा, ये आपको बता देगा कैसे इंस्टॉल करना है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये डाउनलोड कीजिए और सर्विस स्टार्ट इनेबल वगैरह कर दीजिए। ठीक है, तो EC2 इंस्टांस पे आ गया, वो ध्यान रखिए आपका इंस्टांस वही पॉलिसी के साथ अटैच है, और जस्ट इसमें टैग देख लीजिए, जस्ट फॉर रेफरेंस दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने प्रॉड दिया और यस वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब बैक टू आ जाते हैं उस पर सिस्टम मैनेजर पे। तो अगेन जहाँ हमने सेशन मैनेजर पे किया था क्लिक, तो हमारा सेशन तो ओपन ही है, तो इसी के नीचे देखेंगे आप रन कमांड है, तो रन कमांड को फायर कीजिए। ठीक है, वही सेम बता रहा है कि प्री डिफाइंड कमांड यूज और डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूट कीजिए, तो करके देखते हैं, आपको थोड़ा तो आइडिया लगेगा तभी। तो ये आपके लिए कमांड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा काफी, तो ये मल्टीपल्स हैं, जैसे दो तीन कुछ भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं आपको क्या इंस्टॉल करना है। बट एज ए एग्जाम्पल मैं शेल के नाम से है, हाँ मुझे ये जैसे ये शेल स्क्रिप्ट का रन करना है, तो जैसे ये मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा।
तो यहां पे मैं कौन से कमांड फायर करना चाहता हूं, तो मुझे एक सेकंड, मैं आपको पहले दिखा दूं क्या मेरे पास RPM iPhone grep stdpd। तो ये देखिए मेरे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो ये मैं BIOS के थ्रू करूंगा। तो sudo yum install stdpd hyphen yes, तो ये मेरे उस पर फायर कर दे, ठीक है। और ये देखिए स्पेसिफिक टैग्स, तो अगर आपके, अगेन मैं उस पर चाहता हूँ, ये टैग्स हैं तो आपके सपोज 5-7 वेब सर्वर्स हैं, ठीक है, तो आपने ये टैग नेम दिया हुआ है, तो आपके उन सारी मशीनों पे कर देगा। रिसोर्स ग्रुप, तो आपको ये ग्रुप बनाना पड़ेगा इसके लिए, अगर नहीं है एग्जिस्टिंग तो ये यू डोंट हैव एनी रिसोर्स, तो ग्रुप बनाने पड़ेगा। तो आप इसमें मल्टीपल इंस्टांस आप कर सकते हो या चूज इंस्टांस मैनुअली। तो हमारा अभी जैसे सिंगल ही है, टैग से भी जा सकते हैं तो सिंगल ही है क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के साथ अटैच है। तो अभी मैं मैनुअली इसे चूज कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ऑलराइट, और बस इस पे स्ट्रेट रन। तो ये देखिए जैसे ही मैंने रन किया, ये देखिए डिटेल सक्सेस आ गई, इंस्टांस आईडी आ गया, कमांड डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो ये दिखा देगा। ये देखिए टारगेट कितने होस्ट पे रन करा, कंप्लीटेड हुआ, और एरर अगर कि मैं तो ज़्यादा इंस्टांस पे, तो सबका दिखा देता कितने इंस्टांस पे करा। इंस्टांस आईडी भी इसने दिखा दिया, कमांड आईडी, कमेंट और कमांड पैरामीटर्स, ये देखिए ये कमांड चलाई थी, और ये हमारा रीरन पे ऐसे आपको दिखा देगा। तो अभी जैसे मैंने फायर करा था कमांड की इंस्टॉल करें, अभी देखिए, तो ये देखिए इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार, ये देखिए तो इसने पैकेज हमारा इंस्टॉल कर दिया। तो बायोस सिस्टम मैनेजर के थ्रू हमने अपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया। तो आपके पास डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते, सीधा एक सिक्योर वे से इंस्टॉल कर सकते हो और मल्टीपल इंस्टांस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो सारा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेशन मैनेजर एंड रन कमांड। ध्यान रखने वाली हमेशा बात याद रखिए कि आपकी पॉलिसी हमेशा अटैच होनी चाहिए, तभी वो आपको ऑप्शन दिखेगी SSM एजेंट वाली, तभी आप सेशन लिख पाएंगे और कमांड इंस्टॉल कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।